500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है किसी प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर लेती है। कोई प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, उसको क्या करती है, एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है जो ये प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। कितना, 35 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दिया हुआ है 221। तो देखिए जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दिया रहे ना, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ट्रेन को पूरा प्लेटफॉर्म को पार करना होता है। ये ट्रेन आएगा यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा, तो ट्रेन जब यहाँ निकलेगा तब तक यहाँ प्लेटफॉर्म को टच करता रहेगा जब तक इसका पिछला भाग ना चला जाए। तो ऐसे ऐसे निकलेगा यहाँ पर, ये ट्रेन ऐसे निकलेगा। देखिए दोनों लंबाई लेना पड़ेगा ना, इसलिए दूरी में दोनों लंबाई लेना पड़ेगा। तो बोलता है चाल से प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर लेती, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, 5 और 2 721 मीटर, ये क्या आ गया, दूरी आ गया। अब बोल रहा है समय 35 सेकंड में पार कर रहा है इसको, समय 35 सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 18/5 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो क्या करेंगे, 721/35 गुना 18/5 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 74.16 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। त्रिभुज एबीसी में जी और एडी क्रमशः केंद्रक और माध्यिका है, क्या क्या है, केंद्रक और माध्यिका, मतलब जी हो जाएगा केंद्रक और एडी माध्यिका है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, अब देखिए इसमें ये त्रिभुज एबीसी है, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर जी इसका क्या है, केंद्रक है, और डी मान लेते हैं ये माध्यिका है, ये केंद्रक एवं माध्यिका हो गया। बोल रहा है ए जी अनुपात ए डी क्या होगा, ये मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में केंद्रक जो होता है, ठीक है, केंद्रक जो होता है त्रिभुज में, वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है, ठीक है। अब देखिए ए जी कितना हो गया, ए जी 2 हो गया, अनुपात ए और डी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, ठीक है, एक ट्रेन है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 330 मीटर दिया हुआ है, ये ट्रेन की लंबाई, जो 60 किलोमीटर पर आवर की दर से सफ़र करती है, कितना से, 60 किलोमीटर की पर आवर की दर से, चाल से सफ़र करती है, तो उसके विपरीत दिशा में, इसका उल्टा दिशा में, इधर कर रही है इधर, इतना इसका उल्टा दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसको। तो देखिए ये भी इसका जो चाल है, ये इधर से जा रहा है बहुत स्पीड, थोड़ा कम स्पीड जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है, तो सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जुट जाता है, ठीक है। तो चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी को कितना समय में, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है, तो दूरी देखिए 330 मीटर है और ये चाल जो दिया हुआ है इसका 66 किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, ये कट जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से 5 कट गया, 18 ऊपर चला गया, मतलब 18 सेकंड इसका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, 8 अध्यापक की औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है। बोलता उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, 55 वर्ष की एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है 8 अध्यापक में। ठीक है, बोलता है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है, उसमें से देखिए 55 के जगह में 39 वर्ष का एक अध्यापक आ जाता है, तो कितना आयु का डिफरेंस होता है, 16 वर्ष का। ठीक है, तो बोल रहा है विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी। तो देखिए इसका वर्तमान में निकाल, जब भी कोई व्यक्ति उनमें से चला जाए और दूसरा शामिल हो जाए तो उसका एग्जाम में बनाने का सबसे शॉर्ट जो तरीका है, औसत अगर आपको निकालना है, औसत आयु या उम्र जो भी बोलिए, तो क्या करना है, जो दे रखा है कितना वर्ष है, 40 वर्ष है, इसमें क्या करना है, कितना है, 16 वर्ष था, 16 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, इसका औसत निकाल देना है कितना से, 8 अध्यापक से, इसमें घटा देना है 8 दुना 16 कितना जाएगा, 38 वर्ष। देखिए आपका तुरंत खेल खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 वर्ष। और यदि आप इसको नियम से बनाना चाहते हैं तो 8 अध्यापक की 40 वर्ष आयु है औसत आयु, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु का 8 से 32 320 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 55 के जगह 39 वाला शामिल हुआ, बचा कितना, 16, इसमें से कुल आयु में 16 वर्ष घटा करके फिर 8 से डिवाइड दे करके फिर निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, 40 वर्ष रहेगा तो 40 लिखना है, प्लस में जितना आयु का डिफरेंस होगा उसका औसत निकाल देना है, तो 16 का डिफरेंस हुआ, औसत 8 से निकलेगा ना, क्योंकि 8 में से एक चला गया तो 7 बचा, लेकिन फिर दूसरा आ गया तो वो तो 8 ही हुआ। अगला प्रश्न बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, जब उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो वह संख्या 36 से घट जाती है, वो संख्या 36 से घट जाती है, कब, जब उनके जो है दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो मान लेते हैं जो दो अंक है, दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग, इकाई अंक मतलब y और दहाई 10, 10x हो जाएगा, ये दो संख्या हो गया। अब बोल रहा है इनका योग कितना है, इनका योग देखिए 12 बोल रहा है, इनका योग 12 है। अब बोलता है दोनों को परस्पर बदल दिया जाता है, बदल देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पर 10x प्लस वाई, और यहाँ पर बदल देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10y माइनस एक्स आ जाएगा। परस्पर बदल देने से 36 घट जाती है, मतलब 36 इसका अंतर है बदल देने से। ठीक है, अब 10x में 1x जोड़ देंगे, 11x हो गया, और यहाँ पर माइनस 9y बराबर 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9y बचेगा और ये प्लस होगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो 9x बचेगा, कॉमन क्या आ जाएगा, 9, तो x माइनस वाई बराबर 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 कट भी जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, और ये हो गया 12, ये हो गया 4। एक बार फिर से समझिए, देखिए दो अंकों की संख्या था तो कैसे मानेंगे, इकाई अंक y 1 गुना वाई, दहाई अंक x, इकाई के बाद दहाई 10 गुना x, इनका योग 12 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो वह संख्या 36 से घट जाती है। देखिए ये तो ये है, इसको बदल दिए, अगर x के जगह y, y के जगह x बदल दिए तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब क्या किए, ये घटा दिए यहाँ पर, 9x माइनस 9y बराबर 36, 9 कॉमन ले लिए, 9 चक 36 4 आ गया, ये 1 और ये 2, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 12 और ये एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, एक कट गया, 2x बराबर आ गया 12 4 16, तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान यदि यहाँ रख देंगे 8, तो y कितना दे देगा, 4 दे देगा, y 4 x 8 और y 4।
तब बदली हुई संख्या कितना आ जाएगा? देखिए हम लोग बदले कितना थे, 10y + x बदले थे, 10y + x यही तो बदले हैं। तो 10y का वैल्यू 4 + x ये हो गया 8। अब ये हो जाएगा 40 + 8 ये आ जाएगा 48। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो था बदली हुई नई संख्या ज्ञात करिए, तो देखिए यही संख्या तो बदल दिए थे, ये तो पहले माने हम लोग 10x + y बदल देंगे तो उल्टा हो जाएगा 10y और यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, ठीक है। कोई ये कमल है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसने जितना खाया, जितना सेब इसने खाया उससे 40% अधिक सेब इसने बेचा है, ठीक है। देखिए 40% का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक। फ्रैक्शन इसका कैसे निकालते हैं, 40/100, 2 × 4 × 5 = 10, ये फ्रैक्शन आ गया भिन्न इसका। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला आएगा, जो इसका हर जो आएगा आंसर, ये हर जो आएगा वही उसने क्या करेगा, खाया होगा। तो ये 5 सेब इसने, ये 5 अनुपात इसने खाया, ठीक है, 5 अनुपात इसने खाया। अब 5 अनुपात खाया और 40% बोल रहा है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, तो अधिक देखिए ऊपर है इसको, तो जोड़ देंगे 5 दो कितना हो जाएगा 7, मतलब ये हो गया 5 और 2 कितना 7, मतलब 7 अनुपात इसने क्या किया, बेचे, उसने 70 सेब बेचे, तो 7 अनुपात बराबर क्या कर देंगे, 70 कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 अनुपात = 7, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 अनुपात = 10 आ जाएगा, 1 अनुपात = 10 आ गया। अब बोल रहा है तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं, तो इसका खाने वाला अनुपात कितना है, 5 है, तो 10/5 कितना हो जाएगा 50, 10/5 कितना हो जाएगा 50 खाए गए सेब, खाए गए सेब, ये कितना आ जाएगा 10/5 = 50। फिर से देख लीजिए, इसने जितना खाया उसे 40% अधिक बेचा है, तो बेचने से रिलेट कर रहे हैं, 40% का भिन्न रूप 2/5 आएगा, और जो नीचे वाला होगा वही इसका क्या आएगा, और फाइनल निकलेगा, मतलब इसने क्या किया है, जितना खाया होगा, तो खाया कितना 5 अनुपात और 40% अधिक, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो 5 दो कितना हो गया 7, तो 7 अनुपात = 70 से बेचे, तो 1 अनुपात = 10 आ गया, और यहाँ से 5 अनुपात मांग रहा था, तो 10/5 = 50 हो गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है कम समय में एग्जाम में बनाने का।